हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर रीडिंग अवर चैप्टर नंबर 7 एंड दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ अवर एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 7, क्लोथ्स अवर बेसिक नीड। बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक, लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ अवर प्रीवियस वीडियो। सो हियर इज द रिकैप। क्लोथ्स दैट वी वियर आर डिपेंड ऑन द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस। स्टूडेंट्स, हम जिस तरह के भी कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ के वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे आजकल के टाइम पे विंटर सीजन है, सो वी ऑल आर वियरिंग स्वेटर्स, जैकेट्स, स्कार्फ, सॉक्स। ओके, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो वूल या फर से बने होते हैं, जिससे हमारी बॉडी वार्म रहे। लेकिन समर सीजन में हम इन कपड़ों को प्रेफर नहीं करते, समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो हमारे वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, हम जिस जो भी कपड़े पहनते हैं वो दो तरह के मटेरियल से बने होते हैं, जिसमें से पहला है नेचुरल फाइबर। फाइबर को हम हिंदी में रेशे बोलते हैं या धागे। आप कभी अपने कपड़ों को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो धागे आपस में एक दूसरे से बुने रहते हैं और इस तरह से हमारे कपड़ों का जो फैब्रिक होता है वो तैयार होता है। ये जो धागे होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैनमेड या सिंथेटिक। ओके, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये प्लांट्स या एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉटन, वूल, फर, सिल्क। ये कुछ नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। इन फाइबर्स से बने जो भी कपड़े होते हैं उन्हें हम नेचुरल फैब्रिक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर। दीज आर मैन मेड फाइबर्स। स्टूडेंट्स, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये मैनमेड फाइबर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। ओके, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक। टेक योर बुक, ओपन योर पेज नंबर 66। केयर फॉर क्लोथिंग, कपड़ों की देखभाल। क्लोथ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, हम जो भी कपड़े पहनते हैं उसे हमें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। यूज माइल्ड सोप और डिटर्जेंट एंड वाटर टू वॉश देम। हमें हमेशा माइल्ड सोप का यूज करना चाहिए या डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए। क्लोथ शुड नॉट बी वेरी टाइट बट कम्फर्टेबली फिट। स्टूडेंट्स, हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो हम ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा टाइट ना हो, वो ऐसा हो जिसमें हम कंफर्टेबल रह सके या जिससे हमें आराम मिल सके। टाइट क्लोथ्स डू नॉट लेट द एयर पास। स्टूडेंट्स, जो टाइट क्लोथ्स होते हैं उससे एयर पास नहीं होती है। वी डू नॉट फील कंफर्टेबल इन टाइट क्लोथ्स। हम अगर टाइट कपड़े पहनते हैं तो हम उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। क्लोथ्स मस्ट बी आयरन बिफोर यूज। कपड़ों को हमेशा आयरन या प्रेस करके यूज करना चाहिए। आयरन क्लोथ्स लुक गुड। प्रेस किए हुए कपड़े देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। द हॉट आयरन ऑल्सो किल द जर्म्स इफ एनी। जब हम कपड़ों को आयरन करते हैं तो अगर हमारे कपड़ों में कोई जर्म्स है तो वो भी किल या मर जाते हैं। वी शुड नॉट वियर वेट क्लोथ्स एज दे मे कॉज इचिंग। स्टूडेंट्स, हमें कभी भी गीले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। गीले कपड़ों से हमारे शरीर पे इचिंग या खुजली हो सकती है। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग। हम कपड़ों को स्टोर कैसे करके रखेंगे। क्लोथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। हमेशा कपड़ों को प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए। सिल्क एंड वुवन क्लोथ्स नीड टू बी स्टोर्ड विद स्पेशल केयर बिकॉज इंसेक्ट फीड ऑन देम। सिल्क और वुलन के क्लोथ्स को हमेशा स्पेशल केयर करके रखनी चाहिए क्योंकि इनमें कीड़े लग जाते हैं और कीड़े इनको खा लेते हैं या खराब कर देते हैं। दे मस्ट बी ड्राई क्लीन बिफोर बीइंग पैक्ड। हमेशा सिल्क और वुलन क्लोथ्स को पैक करने से पहले उन्हें ड्राई क्लीन करना चाहिए, अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए और उसके बाद उन्हें पैक करना चाहिए। दे शुड बी पैक्ड विद मॉथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स। हमेशा
ये जो हमारे वुलन या सिल्क क्लोथ्स होते हैं इनको रखने के साथ साथ इनमें हमेशा मौत बोल, जो आपने सुना होगा नेप्थिलीन बोल या जिसे हम कपूर की गोली कहते हैं, कपड़ों में डाल के रखना चाहिए या नीम की पत्तियां कपड़ों में डाल के रखनी चाहिए। इससे उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। दीज विल कीप इंसेक्ट्स अवे। इस तरह से रखे गए कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक्स देम लास्ट लॉन्गर। और अगर हम कपड़ों की अच्छे से देखभाल करके रखेंगे तो हमारे कपड़े लंबे समय तक बने रहेंगे, हम उनका लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस अवर चैप्टर इज एंड। नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ अवर चैप्टर। अवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट आंसर ऑन पेज नंबर 67। टेक योर पेंसिल एंड लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। नंबर वन इज द अर्ली मैन यूज्ड टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी फ्रॉम हीट कोल्ड एंड बाय कवरिंग हिमसेल्फ विद एनिमल हाइड। एनिमल्स स्किन से वो अपने आप को कवर करके रखते थे। द फाइबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज वूल पॉलिस्टर सिल्क फर दैट इज पॉलिस्टर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द क्लोथ दैट एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप्स द बॉडी कूल इज कॉटन। द आर्टिकल टू बी केप्ट बिटवीन द क्लोथ्स टू कीप अवे इंसेक्ट इज मॉथ बॉल्स। क्लोथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीफ। कपड़े हमें चोरों से नहीं बचाते हैं, वो हमें हीट रेन एंड कोल्ड से बचाते हैं। Students, as you know, this chapter is including in our activity session, so we are not doing any question answers of this chapter in our classwork copy. Okay, now our second exercise is on page number 68, correct the following sentences by crossing the wrong word. Now, let's do this exercise. Synthetic fibers are called man-made fibers. Synthetic clothes are waterproof. During winter, we wear dark-colored clothes. Swimming costumes are made of synthetic fabric. Okay students, now let's proceed on page number 69, exercise number B. Fill in the blanks with appropriate words. Cotton is a natural fiber which we get from plant. Materials that makes up the clothes is made up of fibers woven together. Winter clothes are made from silk and wool. The clothes that protect our body from rain are made of synthetic fibers. Okay students, now our next exercise is match the following columns A with column B. Wind chitter, synthetic fiber, winter clothing, woolen, silk, silkworm, cotton fabric, natural fiber. Now our last exercise is name the fabric by which the following articles are made. Wool is a natural fiber, cotton, natural fiber, wool, natural fiber, wool and natural fiber, fur. Okay students, I hope आप सबने ये सारी exercises properly अपने book में कर ली होंगी. Students, while doing any exercise, मेक श्योर आप जो भी स्पेलिंग्स लिख रहे हो वो करेक्ट लिख रहे हो. ओके, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.